क्या बुलवा रहा है? कुछ नहीं बुलवा रहा है, आप वही बारिश आ रही है। हमारे घर में पानी नहीं जा रहा है, यहाँ तो धान जमा कर रहे हैं, तो धान के अंदर सांप है। हमारे घर में भी भूत चुका, वो निकल यही आ रहा अभी भी है। नाजरीन, मैं खालिद सरदारी, सोशल वर्कर,
इस वक्त तो मैं पवारवाड़ी दारुल इतामा के पास अब्दुल हक मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये मेरा मकान है एवं मेरे मकान के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं नाला है। अभी चंद मिनटों की बारिश के सबब ये नाला ऐसे इसी तरह भर जाता है, और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो ये पानी हमारे घर में आ जाता है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये घर में इस तरह के कीड़े मकोड़े, ये देखिए आप, ऊपर भी आप देखिए। इसी तरह से सांप के बच्चे, बिच्छी जो एक कीड़ा एक किस्म का होता है, वो ये सब घरों में आ जाते हैं। मैं कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है यहाँ के जो ये IAS ऑफिसर है, उनसे बहुत कई मरतबा रब्ता किया, कोई आता नहीं है, कोई कर्मचारी आता नहीं है। और 4 नंबर वार्ड है ये, मैंने इससे कबल कई मरतबा कई लोगों से मैंने मुतालबा किया है, जब मुझ जैसे शख्सों का मुतालबा जो है कोई सुनता नहीं है, तो आम जो पब्लिक है उसका क्या होता होगा। मैं कॉरपोरेशन के जो ज़िम्मेदार है, जो ठेकेदार है कॉरपोरेशन पर, आज जो जिन लोगों का कब्ज़ा है, जो बरसर इक्तदार जो ग्रुप है, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप विज़िट करें। ख़ास तौर से सिटी इंजीनियर, कमिश्नर, मेयर, उन लोगों का काम है बारिश के शुरू होने से कबल जो है, उससे पहले उससे कबल जो है, यहाँ पर आए और देखें। अगर ये नाला है तो इसे नाले के तौर पर बनाया जाए, नाला नहीं है अगर रोड है तो इस पर रोड का काम किया जाए। जो कुछ भी है ये, अगर नाला है तो गैर कानूनी नहीं है, उसको नाले के तौर पर बनाया जाए। अगर नाला नहीं है, रोड है, तो फिर नाला गैर कानूनी है, उसको बंद करके इसको कोई उसका रास्ता निकाला जाए। आवाम कब तक परेशान रहेंगी, यहाँ पर सांप निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके क्या हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर कभी ये कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज बारिश शुरू हुई है, लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन आगे चला गया है, किस मुसीबत में है, चारों कॉरपोरेटर पर कोई कॉरपोरेटर यहाँ पर आया नहीं है, कोई नगर सेवक यहाँ पर आया नहीं है कि यहाँ की आवाम कितना परेशान है, क्या हाल है।